राजस्थान की सरकार का हनीमून पीरियड खत्म नहीं हो रहा और सरकार ने आते ही शुरुआत ही पाप से कर दी। आप मुझे ये बताइए, इस देश में सबसे बड़ा बलिदान हुआ महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का। इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा जी इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री है, जिनको उनके घर में आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया था। इस देश पर बलिदान हुई और जब वो उनकी डेथ हुई, जब वो बलिदान हुई, उससे पहले उन्होंने कहा था, मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरे खून का अंतिम खतरा इस देश से आतंकवाद को खत्म करके ही रहेगा। वो बलिदान हो गई, लेकिन आप जानते हैं आतंकवाद पंजाब में पूरी तरह से खत्म हो गया। इंदिरा जी वही है जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। इंदिरा जी के नाम से इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में शुरू हुई। सुबह 400 लोगों को 8 रुपए में भोजन मिलता और शाम को 400 लोगों को 8 रुपए में भोजन मिलता। पाप की पराकाष्ठा करती भारतीय जनता पार्टी ने आते ही इंदिरा जी के नाम को बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया। इंदिरा जी के नाम से इतनी तकलीफ, राजस्थान में अटल सेवा केंद्र चल रहे हैं, राजीव सेवा केंद्रों का, राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम अटल सेवा केंद्र किया गया। हमने तो अटल सेवा केंद्रों का नाम नहीं बदला क्योंकि अटल जी का हम सम्मान करते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री है। दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से योजनाएं चल रही, दीनदयाल उपाध्याय जी ना तो राष्ट्रपति रहे देश के ना प्रधानमंत्री रहे। आप मुझे ये बताए, उनके नाम से जो योजनाएं चल रही वो हमने बंद नहीं की। आप इस देश में, कांग्रेस चुनाव हार गई, हम लोग चुनाव हार गए, बीजेपी चुनाव जीत गई, लेकिन ऐसा पाप मत कीजिए। आप में यदि हिम्मत है तो फिर आप कांग्रेस की सारी योजनाएं बंद कर दीजिए। आप नाम बदल बदल कर अपमान कर रहे हैं देश की पूर्व प्रधानमंत्री का और उनके बलिदान का, जो उन्होंने भारत के लिए बलिदान दिया और बलिदान हो गई ये छोटी हरकत जो इन्होंने की। और फिर आपने 400 की जगह 200 कर दिए। इंदिरा रसोई में पहले 400 लोगों को भोजन मिलता था सुबह, अब सिर्फ 200 लोगों को मिलेगा और शाम को 200 लोगों को। धीरे धीरे आप योजनाएं भी खत्म कर रहे हैं। आप कांग्रेस की योजनाओं की बैसाखी पर खड़ी हुई है बीजेपी। ऐसे में बीजेपी जो हरकत कर रही है ये पाप है। और मैं ये मानता हूं कि इंदिरा जी की, इंदिरा रसोई योजना जो से इंदिरा जी का नाम जो हटाया गया, ये देश का अपमान है।